नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 2 अगस्त शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसीबी ने नागौर जिले के लांडनू में अधिशासी अधिकारी मघराज डूडी को परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट अजमेर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि परिवादी की मां के नाम से भूखंड का पट्टा जारी करने के एवज में अधिशासी अधिकारी मघराज डूडी 20,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल बताते हुए सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने 70 साल में रिटायरमेंट की मजबूती से पैरवी करते हुए चुनाव में नई लीडरशिप खड़ी करने की बात कही। उन्होंने कहा, मैंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जयपुर में हुए टॉक जर्नलिज्म में स्टूडेंट से बात कर रहे थे। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 38 से ज्यादा विधायक, सांसद और पूर्व विधायकों के टिकट कटेंगे। राजस्थान के चूरू जिले के एक छोटे से गांव के दुकानदार बजरंग की जीत की कहानी अनोखी है। उसे एरोप्लेन देखने का शौक था। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बजरंग को सिक्योरिटी गार्ड ने टेक ऑफ करता प्लेन नहीं देखने दिया। बात दिल पर लगी और उसने खुद का एयरक्राफ्ट बनाने की जिद ठान ली। 8 साल की मेहनत के बाद 2-सीटर एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया। बजरंग का दावा है कि प्लेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जिले के राजल देसर कस्बे के गांव दसूसर में रहने वाले बजरंग उर्फ ब्रिज मोहन ने ये इनोवेशन किया है। ये गाँव में ही मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयर की दुकान करता है। उसने करीब 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद अब एयरक्राफ्ट तैयार किया है। बजरंग ने बताया कि एयरक्राफ्ट में वैगनार कार का इंजन लगाया है। यूएल टैंक 45 लीटर का है, जिससे 150 किलोमीटर तक उड़ान भरी जा सकती है। श्रीगंगानगर शहर में हुई भयंकर बारिश और सीवरेज का गंदा पानी नगर परिषद की ओर से ए माइनर में डाला जा रहा है। इस पानी का 3 ग्राम पंचायतों के करीब 15 गांव में खेती के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। गांव के लोग इस पानी को पशुओं को पिला रहे हैं और डिग्गियों में भंडारण भी कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि शहर की बारिश और सीवरेज का गंदा पानी नहर में डालने के बारे में अब तक किसी को बताया नहीं गया है। जानकारी के अनुसार गुरुनगर और पुरानी आबादी के कुछ हिस्से का बारिश और सीवरेज का पानी पाइपों के जरिए चुपचाप ए माइनर में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अग्निपथ और उदयपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ इस साल का सबसे बड़ा मजाक होगा। 4 साल की नौकरी और उसके बाद घर बैठ जाओ। जवान को 22 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाएगा। अब 2 साल बढ़ाकर 24 साल किया है। उन्होंने कहा कि संसद में आजकल बहस होती नहीं, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। नौजवानों को धमकी अलग दे दी गई कि विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस केस हो गया तो अग्निवीर में नौकरी नहीं देंगे। अलवर के नौगावा और रामगढ़ के बीच बीजवा मांड की रॉयल्टी नाके पर मंगलवार सुबह हफ्ता वसूली करने वाले बदमाश पहुंचे। नाके पर काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों से हाथापाई की गई। बदमाशों ने कुछ कर्मचारियों पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे उनके हाथ और पांव जल गए। 2 घायलों को अलवर रेफर किया गया है। रॉयल्टी का ठेका चलाने वाली गैलेक्सी माइनिंग कंपनी के प्रतिनिधि कोतवाल सिंह ने बताया कि बीजवा मांडकी में खनन रॉयल्टी का नाका है। यहाँ मंगलवार सुबह करीब 8 बजे 10 से 15 बदमाश आए, उनके हाथ में हथियार थे। श्रीगंगानगर में बारिश के बाद पशुओं में लंपी स्किन डिजीज और बढ़ गई है। वायरस जनित खतरनाक बीमारी होने के कारण पशुओं की जान जाने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इससे पशुपालक हैरान और परेशान हैं। इसका प्रकोप सबसे ज्यादा गौवंश पर है। आवारा पशु भी इस बीमारी से अछूते नहीं रहे। जानकारी के अनुसार अब ये बीमारी श्रीगंगानगर की गौशालाओं में भी प्रवेश कर चुकी है। श्री गौशाला के महामंत्री सुशील बंसल ने बताया कि गौशाला में करीब 35 गायें लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आ चुकी हैं। यही नहीं, 5 गायों की जान जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन दुधारू पशुओं में ये बीमारी फैल चुकी है, उनमें दूध की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। दूध तो दूर, पशुओं की जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह की हालत आम पशुपालकों की है। वे चाहते हुए भी पशुओं को बचा नहीं पा रही हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत आई खतरनाक और वायरल बीमारी लंपी से राजस्थान में गौवंश की मौतों का आंकड़ा 2100 हो गया है। केंद्र से साइंटिस्ट और पशुओं के डॉक्टर्स की टीम सोमवार को राजस्थान पहुंची है। जोधपुर और नागौर का दौरा कर हालात का जायजा लिया गया है। राजस्थान सरकार के एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर NM सिंह ने बताया कि टीम गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही भी जाएगी। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर सहित 10 जिलों में ये संक्रामक बीमारी कहर बरपा रही है। 40,000 से ज्यादा गौवंश इसकी चपेट में आ चुके हैं। 90% गायें इस बीमारी का शिकार होकर दम तोड़ रही हैं। बैल, सांड, भैंसों में भी ये बीमारी फैल रही है।
अजमेर MDS यूनिवर्सिटी पर मंगलवार को छात्र नेताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति को 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। छात्र नेताओं ने ज्ञापन के जरिए छात्र संघ चुनाव की 1.5 सितंबर में करवाने और कैंपस की विभिन्न समस्याएं दूर करने की मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का भारी जाप्ता भी मौजूद रहा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जैन ने बताया कि मंगलवार को MDS यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गोदारा, भगवान सिंह सहित अन्य छात्र नेताओं के साथ 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव सितंबर में करवाने की मांग कर रहे हैं। जैसलमेर के वार्ड नंबर 36 के पार्षद लीलाधर दैया अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मंगलवार को धरने पर बैठ गए हैं। गांधी कॉलोनी में प्रशासन शहरों के संघ कैंप के बाहर धरने पर वार्डवासी भी पार्षद के साथ बैठे। इस दौरान एक वार्डवासी की तबीयत खराब हो गई, इसके बाद भी वो नहीं उठा। कैंप में अधिकारियों के नहीं आने और लंबे समय से वार्ड नंबर 36 में वोल्टेज की समस्या को लेकर पार्षद और वार्डवासियों में गुस्सा था। पार्षद दैया ने बताया कि अधिकारी लंबे समय से उनकी समस्या को नहीं सुन रहे हैं और ना ही प्रशासन शहरों के संघ कैंप में बिजली विभाग का कोई अधिकारी आ रहा है। कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में अभी पानी की निकासी हो रही है, जिसके चलते डाउन स्ट्रीम में फिर से मछली पकड़ने वालों का हुजूम नजर आने लगा है। यहाँ आसपास मछली की दुकान लगाने वाले लोग और इलाके के लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। डाउन स्ट्रीम अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग अवैध रूप से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अचानक पानी की आवक ज्यादा होने पर लोगों के फंसने की पहले भी ये घटना हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इलाके के लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों पर बैठकर मछलियों का शिकार करते हैं। भरतपुर की एकरन गौशाला में 3 गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। इसके बाद तीनों गायों को बाकी के गौवंश से अलग कर दिया गया है। तीनों गायों के शरीर पर दाने, चकते के निशान और गांठें हो गई हैं। इन लक्षणों को देखते हुए तीनों गायों को भी सभी गौवंश से अलग कर दिया गया है। वेटरनरी डॉक्टरों ने सभी गौशालाओं के कर्मचारियों से सतर्कता बरतने को कहा है। पशुपालन विभाग के अनुसार ये वायरस पाकिस्तान के रास्ते आया है। पशुओं में फैलने वाली लंपी स्किन वायरस खतरनाक और संक्रामक है। धर्मोत्सव समिति मेवाड़ की बैठक जगदीश चौक पर समिति संरक्षक रमेश लालवानी के सानिध्य में हुई। बैठक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाने का निर्णय किया गया। इस अवसर पर 18 अगस्त को जगदीश मंदिर में रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म पर उनके कार्यक्रम होंगे। अगले दिन 19 अगस्त शाम 4 बजे से जगदीश चौक पर अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ भव्य दधिका उत्सव होगा। 8 दलों का पिरामिड बनाकर जमीन तल से 27 फीट की ऊंचाई पर बांधी गई दूध, दही, शहद, पंचामृत वाली मटकी को फोड़ने का प्रयास करना होगा। मटकी फोड़ने में सफल रहने वाले दल 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार पा सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।